गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जीएसटीआर 3B से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी अपडेट जो निकल के आ रही है कल के सर्कुलर के अंदर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपकी भी अगर जीएसटीआर 3B से रिलेटेड इस तरीके की गलती, चाहे वो 17-18 से रिलेटेड हो, चाहे वो 18-19 की हो, चाहे वो 19-20 की हो, किसी भी साल की गलती को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन किया है सर्कुलर नंबर 124 जो कि बात करता है एनुअल रिटर्न के क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड। इसका जो थर्ड पॉइंट है ये काफी रिलैक्सेशन देने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है सेक्शन 73 ऑफ द सेड एक्ट प्रोवाइड्स फॉर वॉलेंटरी पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यू बाय द टैक्स पेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सेक्शन 73 जो है हमारा जीएसटी का, वो बात करता है वॉलेंटरी पेमेंट ऑफ टैक्स की। क्या है सेक्शन 73, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। देयरफोर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड क्वांटम ऑफ टैक्स व्हिच हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड, द टैक्स पेयर हैज द लायबिलिटी टू सेल्फ असर्टेन सच टैक्स अमाउंट एंड पे इट थ्रू फॉर्म जीएसटी DRC 03। सेक्शन 73 जो है वो वॉलेंटरी पेमेंट की बात करता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आपका 17-18 का जीएसटीआर 3B में कोई भी सेल अमाउंट छूट गया है जिसकी लायबिलिटी आपने पे ऑफ नहीं करी, या फिर कोई भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपने अनड्यू तरीके से या एक्सेस क्लेम कर लिया है, आप उसको रिवर्स नहीं कर पा रहे, या फिर 18-19 की कोई लायबिलिटी है या 19-20 की कोई लायबिलिटी है या एक्सेस अनड्यू क्रेडिट है, उन सारी चीजों के लिए आप सेक्शन 73 का वॉलेंटरी पेमेंट यूज कर सकते हैं और उसके लिए फॉर्म जीएसटी DRC 03 का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं और DRC 03 को फाइल करके आप अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। गलतियों को ठीक कैसे करेंगे कि जो आपका लायबिलिटी बनता था वो आपने डिक्लेयर नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपसे पूछे, उससे पहले ही आपने वॉलेंट्री पेमेंट कर दिया तो जो आपकी लायबिलिटी मिस हो चुकी थी वो आपने रेक्टिफाई कर ली है पेमेंट करने के बाद। अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट इफ एनी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ हिज अकाउंट्स नोटिसेस एनी शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स और इन एलिजिबल अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ही मे पे द सेम थ्रू फॉर्म जीएसटी DRC 03। बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि हमने फलाने फलाने महीने का जो टैक्स लायबिलिटी है वो नहीं पे किया या वो कम पे किया, या उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इनएडवर्टेंटली गलत हो गया या एक्सेस हमने क्लेम कर लिया, तो क्या अब उसे हम लोग अगले महीने की 3B या अगले महीने की 3B की ITC वाले टेबल से एडजस्ट कर ले या उसमें से रिवर्स कर ले? आपके पास वो भी ऑप्शन है, लेकिन उसमें होगा क्या, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज आपने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर कोई एक ट्रांजैक्शन जो है सेल का वो मिस कर दिया था 3B में दिखलाने के लिए। अब आप उस ट्रांजैक्शन को 19-20 की 3B में अगर डिक्लेयर करेंगे तो आपका करेक्शन तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो 18-19 का तो मिसमैच रहेगा ही रहेगा क्योंकि उसके अंदर आपने शॉर्ट पेमेंट किया है, और जब आप 18-19 के टर्नओवर को 19-20 में इंक्लूड करेंगे तो आपका 19-20 का जो टर्नओवर है वो भी मिसमैच हो जाएगा। तो इसका दूसरा रास्ता इन्होंने बता दिया कि 18-19 का जो पेमेंट है वो आप जीएसटीआर 3B में मत कीजिए, आप डायरेक्टली DRC 03 के जरिए उसका पेमेंट कर दीजिए और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक सेपरेट लेजर बना लीजिए कि आपका जो CGST अनड्यू रह गया था या CGST ड्यू रह गया था पेमेंट करने के लिए वो आपने पेमेंट किया है DRC 03 से। इससे आपकी गलती जो है लायबिलिटी वाली वो भी निकल जाएगी और आपका 19-20 का जो बुक्स है वो भी फेयर रहेगा, उसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। ये एक काफी अच्छा तरीका हो सकता है अपनी गलतियों को ठीक करने का, एक्सेस लायबिलिटी को पे करने का और क्रेडिट को रिवर्स करने का। अब यहां पे बात आती है कि 73 के अंदर जो वॉलेंट्री पेमेंट की बात की गई है वो क्या कहता है सेक्शन, ये है हमारे पास सेक्शन 73। इसका सबसेक्शन 1 कहता है वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड और एरोनियसली रिफंडेड। अगर प्रॉपर ऑफिसर को यह लगता है कि कोई भी टैक्स जो कि पेमेंट होना चाहिए था लेकिन पेमेंट नहीं हुआ या कम पे हुआ, पेमेंट होना चाहिए था 1000 रुपए का, पेमेंट हुआ है 100 रुपए का, तब क्या हो सकता है, और वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड
or utilized for any reason other than the reasons of fraud or any willful misstatement or suppression of facts to evade the taxes, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो गलत तरीके से अवेल कर लिया गया है एंड यूटिलाइज कर लिया गया है और ये जो गलती हुई है उसके पीछे कोई भी फ्रॉड करने की मंशा नहीं थी, वो हमसे गलती से हो गई है, जानबूझ के हमने नहीं करी है, हमारा कोई भी इरादा गलत नहीं था। He shall serve notice on the person chargeable with the tax which has not been paid or which has been paid but shortly paid or to whom the refund has been erroneously refunded or who has wrongly availed or utilized the input tax credit requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with the interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable as per the provisions of the act. 73(1) पावर देता है प्रॉपर ऑफिसर को कि आपको नोटिस इशू करे और नोटिस इशू करने के बाद आपसे जवाब मांगा जाए कि क्यों ना आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी की जो कार्रवाई है वो चालू कर दी जाए। तो इसका 73 का सब सेक्शन 5 जो बात करता है ये काफी इंपॉर्टेंट है इस सर्कुलर को देखते हुए। द पर्सन चार्जेबल विथ एनी टैक्स बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 और एज द केस मे बी द स्टेटमेंट अंडर सब सेक्शन 3 पे द अमाउंट of tax along with interest payable thereon and under section 50 on the basis of his own ascertainment, मतलब self assessment की बात यहाँ पर की जा रही है, self assessment or own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment. सेक्शन 1 के अंदर आपको नोटिस मिले उससे पहले ही आप 73(5) का यूज कीजिए और DRC 03 जैसा कि सर्कुलर में बताया गया है इसका इस्तेमाल करते हुए आप पेमेंट कर दीजिए ताकि आपका आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम लोग कैसे पता करें कि हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस क्लेम हो गया है, अनड्यूली हमने क्लेम कर लिया है। तो इसके लिए आपको अपना GSTR 2A और अपना बुक्स का जो है परचेज रजिस्टर रिकनसाइल करना होता है और रिकनसिलेशन करने के लिए आप क्लियर टैक्स का GSTR 2A का रिकनसिलेशन टूल यूज कर सकते हैं जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन रहता है मल्टी मंथ GSTR 2A का डेटा डाउनलोड करने का। वो डाउनलोड करने के बाद आप रिकंसिलेशन जो है वन क्लिक में कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो आप ये स्टेप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए DRC 03 भरना सही रहेगा या अगले महीने के रिटर्न में उस फिगर्स को एडजस्ट करना सही रहेगा। दोनों ऑप्शन आपके पास है, ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से DRC 03 वाला होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने CBIC ने भी इस चीज को अब क्लियर कर दिया है कि आपके पास लिबर्टी है सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी पीरियड का, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी पीरियड का आप पेमेंट DRC 03 के अंदर कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि GSTR 3B में अगर कोई गलती हो गई है तो उसको ठीक करने का दूसरा रास्ता और क्या हो सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपको GST से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसको भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।